आशियानों में पड़ी मोटी मोटी दरारें, आंखों के सामने अपने बसे बसाए घर को छोड़कर चले जाने का गम। उन्होंने घर से निकाल दिया, लो 5,000 तुमको दे दिया और तुमको घर से बाहर निकाल दिया है। हम घर होते हुए भी बेघर हो गए। सालों पहले खड़े किए गए अपने अंपायर को जमीन में धस्ता देख रोते हुए लोग, जब हमने मरना है वैसे भी मरना है। मदद के नाम पर प्रशासन से मिले महज 5,000 के चेक को देखकर आत्मग्लानी। ये हाल इस वक्त जोशीमठ की उस बेहाल जनता का है जो बिना किसी गलती के प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। शायद एक साल पहले अगर प्रशासन ने उस चिट्ठी पर गौर कर लिया होता जो उसे लिखी गई थी, तो शायद आज पूरा जोशीमठ अपने रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा होता। वो कहते हैं ना, कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही जोशीमठ की जनता के साथ हो रहा है। आज पूरा जोशीमठ खोखला होने की कगार पर खड़ा है। बड़े बड़े होटल्स में दरार आ गई है। न जाने कैसे दो होटल आपस में मिल गए हैं। जमीन धस रही है, मकान जर्जर होकर कभी भी गिर सकते हैं। हालातों की गंभीरता को समझते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद है और इलाके को खाली कराया जा रहा है। जोशीमठ के लोग अपने ही शहर में अचानक से पराए हो गए हैं। उन्हें अपने ही शहर में राहत शिविरों में रुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कर भी क्या सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन जोशीमठ के इन हालातों के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? जाहिर है, एक रात में तो पूरा जोशीमठ दरारों से नहीं भर गया होगा। पिछले काफी वक्त से ये सब हो रहा होगा, तो आखिर प्रशासन की नजर इस पर क्यों नहीं गई? हमारा एक साल पहले से हो रहा है, अभी ये नया बना हुआ है, एक साल हो रहा है इसको बने हुए। जो हमारी मकान है आप लोगों ने देखी है, उस पर पहले छोटी छोटी दरारें पड़ी थी और पापा ने एप्लीकेशन दी वहाँ पर। उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं किया, बाई चांस अगर उस टाइम एप्लीकेशन दे कर जो दी उस टाइम अगर कुछ होता तो आज पूरा जोशीमठ ऐसा नहीं होता। उस टाइम उन्होंने बोला तुम्हारी मकान की नींव कच्ची है, तो अब हम ऐसे नहीं कह सकते पूरी जोशीमठ की नींव कच्ची तो नहीं हो सकती। इतनी बड़ी बड़ी मकान है इधर, चलो हम मानते हैं, चलो हमारी हो गई, पूरी जोशीमठ की नहीं हो सकती। प्रशासन ने कहा कि आपकी नींव कच्ची है। हम पापा ने जहाँ पर गए थे उन्होंने बोला कि आप पता तुम्हारी घर की नींव अच्छी नहीं होगी, अगर हमारी घर की नींव अच्छी नहीं है तो होटलों की भी नहीं है, इतने बड़े बड़े हैं यहाँ पर। और उसके बाद 2-3 तारीख में जो शायद भूकंप आए थे रात को, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा हो चुका है जो आप लोगों ने अभी देखा। इतना नहीं था, ये भी हाल फिलहाल में इतना हो चुका है। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी हम पहाड़े कैफे पास में जो होटल है, अच्छा ऊपर जो होटल है, यहाँ अभी इस वक्त क्यों आई? हाँ, खाना बनाने के लिए, वहाँ पर खाने बनाने की व्यवस्था नहीं है। हाँ, हालांकि उन्होंने हमको ऐसे बोला है कि तुम वहाँ पर खाना खा सकते हो, बट हम लोग नहीं खाते हैं, कहीं पर भी बनाया हमको खुद बना के खाना। और आपके साथ जो जानवर वगैरह भी हैं? हाँ, हमारी गायें हैं, उनके चक्कर में हमको यहाँ पर आना पड़ा। उनकी देखभाल यहाँ पर आकर के करनी पड़ती है। रात में वो यहीं रहते हैं? हाँ, रात भर वो यहीं। तो सुना आपने, जोशीमठ के लोगों में प्रशासन के खिलाफ कितना गुस्सा है। अब जरा इन महिलाओं की बात सुनिए। इनका साफ कहना है कि तहसील से लेकर मुख्यमंत्री तक को शिकायत दी गई, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। यहीं पर दबकर मर जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। हम लोगों को ना वहाँ पे जॉब मिली ना कुछ मिला, यहाँ से वो 15 किलोमीटर दूर है। हम लोगों को ना उसमें जॉब मिला ना कोई लाभ मिला, पर फिर भी हम लोग ये भुगत रहे। अगर हम वहाँ होते तो फिर क्या हाल होता हमारा? जब हमने लाभ लिया होता तो हम बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन हमें कुछ उसका प्रॉफिट ही नहीं हुआ और उस वजह से हमें अपने घर से बेघर होना पड़ रहा। पहले हम नीचे मारवाड़ी में रहते थे, सेमा गांव में, वहां से भी ऐसा हुआ, वहां पे बाढ़ आई, हमको वहां से विस्थापन के लिए बुला गया, लेकिन वहां भी हमें विस्थापन का नहीं पता कि हमें कहां मिला। मेरे दादाजी लोग यहां आए, उन्होंने यहां पे अपनी जमीन पे मकान बनाया अपने नाम पे। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे भी ये सब चीजें हो गया, कहा जा रहा है विस्थापन किया जा रहा है, तो हमें यही डर है कि कहीं उस वक्त बोला गया था विस्थापन कर दिया जा रहा है, उस वक्त भी नहीं मिला हमें, वहाँ का कुछ पता नहीं। दादाजी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पापा लोग छोटे थे, अब हम लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम लोग भी क्या करें? जब तक आप लोग आएंगे तब तक कुछ होगा शायद। आप लोग अभी कुछ दिन आएंगे, उसके बाद आप लोग नहीं आएंगे, कोई पूछेगा भी नहीं हमको यहाँ आके। बड़े बड़े उद्योगपति है जिनके जानकार है, उनका शायद कुछ हो भी जाएगा, लेकिन हम लोगों की कोई जानकार नहीं, हमारा कौन करे। अब एक तरफ लोगों में इस कदर नाराजगी है, तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ की महिलाएं अपने शहर को बचाने के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। जोशीमठ को बचाएंगे, इस तरह के नारे जोर जोर से लगा रही हैं। तुम
मिलाकर देखा जाए तो आज वो जोशीमठ, जिसकी खूबसूरती और संस्कृति देखने के लिए दूर दराज से सैलानी आते थे, वो अब खोखला हो रहा है प्रशासन और सरकार की अनदेखी की वजह से। सवाल यही है कि क्या जोशीमठ का रंग फिर से वापस आ पाएगा, क्या बिना किसी नुकसान के जोशीमठ फिर से आबाद हो पाएगा।